Namaskar, children. This is Poonam Bhagga welcoming you in your maths class. We are studying class 8 maths, chapter 8 comparing quantities. In our previous video, we completed the first six questions of exercise 8.2. Today, we will be doing its remaining questions. The questions are based on profit and loss and also on the taxes included in the billing amount of the items that we purchase. So, we begin with question number 7. A milkman sold two of his buffaloes for rupees 20000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. Here a milkman is selling his two buffaloes. Dono buffaloes 20 20000 mein sell out kar hai milkman. Pehli buffalo ko sell out karne par gain ho ra hai 5% ka. और सेकेंड बफलों के केस में लॉस हो रहा है टेन परसेंट का यहाँ हमें दोनों ही केसेस को मिलाते हुए ओवरऑल गेन हो रहा है या लॉस ये पता करना है अब गेन और लॉस हम कैसे पता करते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस और यहाँ दोनों ही बफलों का कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया है दिया है तो सिर्फ सेलिंग प्राइस तो अब यहाँ पर हमें पहले कॉस्ट प्राइस को कुछ अज्यूम करना होगा और तभी इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर सकते हैं तो क्या करें या तो हम कोई वेरिएबल एक्स या वाई से डिनोट करते हुए कॉस्ट प्राइस को आगे बढ़ सकते हैं या फिर हम कॉस्ट प्राइस को रुपीज हंड्रेड मानते हुए भी चल सकते हैं तो यहां हम हंड्रेड मानते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ इच बफलो इट इज गिवन टू बी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड नाउ इनकेस ऑफ द फर्स्ट बफलो लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज हंड्रेड तो गेन हो रहा है फाइव परसेंट का फर्स्ट के केस में तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इट विल बी रुपीज वन हंड्रेड फाइव क्योंकि फाइव परसेंट ऑफ हंड्रेड इज रुपीज फाइव तो रुपीज फाइव का गेन हो रहा है जब हम कॉस्ट प्राइस को हंड्रेड मान रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा रुपीज वन हंड्रेड फाइव नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज वन हंड्रेड फाइव देन दस्ट प्राइस इज रुपीज हंड्रेड यहां पर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस की दो वैल्यूज हो रही हैं. एक तो 105 जो आउट ऑफ 100 है और एक रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड जो क्वेश्चन में दिया है तो क्योंकि इसकी दो वैल्यूज़ हैं इसीलिए हमें ये हेल्प करेगा कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने में और इसी से स्टेटमेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं सो इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ वन हंड्रेड फाइव देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज हंड्रेड ना इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ वन अब वन यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे वन की वैल्यू के लिए इट विल बी रुपीज़ हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड फाइव यहां पर हम यूज कर रहे हैं ये यूनिटरी मेथड क्योंकि यहां हम पहले यूनिट की वैल्यू निकालते हैं ठीक है अब सेलिंग प्राइस तो दिया है ट्वेंटी थाउजेंड तो इफ इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड तब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सिंगल एक यूनिट के लिए है ये वैल्यू तो मेनी के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड फाइव इन टू ट्वेंटी थाउजेंड नाओ सिंपली नीड टू डिवाइड बाई फाइव दिस विल बी ट्वेंटी वन डिवाइडिंग बाई फाइव फाइव फोरज ट्वेंटी और फिर ये थ्री जीरोज आ जाएंगे वी विल गेट इट एज फोर लैख फाइव जीरो होंगे अपॉन ट्वेंटी वन ना वी नीड टू डिवाइड दिस एंड गेट द वैल्यू लेट डिवाइड फोर लैख इसको डिवाइड कर रहे हैं हम ट्वेंटी वन से पहले लेंगे 40 तो 21 वन इंटू टू इट्स फोर्टी टू सो इट विल गो बाय वन ट्वेंटी वन दिस विल बी नाइन्टीन ये ज़ीरो यहाँ ले, ले लेंगे वन नाइनटी इट विल गो बाय नाइन नाइन वन जाइन नाइन टू ज एटीन वन विल बी द रिमाइंडर कॉपी दिस ज़ीरो टेन अब ये छोटा नंबर है तो एक ज़ीरो लगाएंगे और एक ज़ीरो और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे दिस विल बी हंड्रेड नाउ ट्वेंटी वन इन टू फाइव इट्स वन हंड्रेड फाइव तो वो बड़ा हो जाएगा वी विल टेक इट फोर टाइम्स इट विल गो एज एटी फोर सब्ट्रैक्ट इट विल्सटीन लेफ्ट कॉपी दिस जीरो हियर वन सिक्सटी ना इफ वी टेक इट एज एट ना देन इट विल्सटी एट इट विल बिगर सो वी टेक द नेक्स्ट डिजिट एज सेवन इट विल बी वन फोर्टी सेवन सब्ट्रैक्ट टेन माइनस सेवन इट्स थ्री कैंसल इट फाइव माइनस फोर इट्स वन अब यहाँ पर ये रिमाइंडर है तो पॉइंट लगाकर जीरो लगाना होगा पॉइंट एंड वन जीरो वन थर्टी इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स सिक्स टाइम्स सिक्स वन जिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व फोर विल बी लेफ्ट जीरो फोर्टी अगेन इट विल गो वन टाइम ट्वेंटी वन अगेन द रिमाइंडर विल बी नाइनटीन एंड नाउ वन मोर जीरो इट विल गो बाई नाइन वन एटी नाइन वन विल बी लेफ्ट तो यहाँ हम डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस तक आंसर निकालेंगे और फिर इस थर्ड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ कर देंगे कैसे अगर ये वाली लास्ट डिजिट थर्ड प्लेस पर जो है डेसिमल के बाद ये फाइव सिक्स सेवन एट या नाइन हो तब ये तो रिमूव हो जाएगी और इसमें प्लस वन कर देंगे और अगर ये वन से लेकर फोर तक हो छोटी डिजिट हो तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगी बिना कुछ प्लस किए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नियर अबाउट वन नाइन ज़ीरो फोर सेवन पॉइंट सिक्स टू इसको तो रिमूव कर दिया और यहां पर प्लस वन कर दिया तो पॉइंट सिक्स टू सो नाउ वी कैन राइट इट हियर इट इज इक्वल टू रूपीज वन नाइन जीरो फोर सेवन पॉइंट सिक्स टू इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफलो ओके नाउ वी टेक द केस ऑफ सेकेंड बफलो हियर सेकेंड बफलो लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज हंड्रेड आफ्टर अ लॉस ऑफ टेन परसेंट नाउ इट्स सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज नाइन्टी टेन परसेंट मतलब हंड्रेड में से टेन रुपीज का लॉस और ऐसे केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा टेन रुपीज लेस जो कि रुपीज़ नाइन्टी अब अगेन वी हैव टू वैल्यूज फॉर सेलिंग प्राइस रुपीज नाइन्टी एंड रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड गिवन इन द क्वेश्चन ये है हंड्रेड में से वो क्वेश्चन में दिया है जो कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस है तो इसकी दो वैल्यूज़ हैं इसी से स्टार्ट करते हैं इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ नाइन्टी देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज हंड्रेड फिर से हम लेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ वन देन द कॉस्ट प्राइस विल बी हंड्रेड अपॉन नाइन्टी इन रुपीज एंड नाउ इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड देन द कॉस्ट प्राइस विल बी रुपीज हंड्रेड अपॉन नाइन्टी into twenty thousand cancel this zero and we will have here 2 lakh upon 9 up 9 said divide isko. you will see it's 20 here so 9 2 18 2 will be left again 20 it will go by 2 let us divide here then you can see 20 and here we have four zeros two lakh ,00, Divided by 9. So, 9 2s are 18. 2 will be left 20 again by 2 18. 2 left again 0 by 2. Ye 0 a gaya. Here we have 18, 2 left, this time this 0. Again by 2, 18, 2 left, this 0. Again by 2, 18, 2 left, 0.0, 0 2 times again we will take it. टाइम्स बिकॉज वी टेक इट टू टू डेसिमल प्लेसेस तो ये हो गया आपका ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू इन रुपीज दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफलो ठीक है अब हमारे पास दोनों ही बफलोज का कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी तो दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सो वी राइट हिस्टर the total cost price of two buffaloes it will be rupees 19047 point let us have a look i forgot it it is is six two. okay two. and the second one is rupees 22222.22 dono ko add karte here we will have 4 then 8 7 and 2 9 4 and 2 6 जीरो एंड टू टू देन नाइन एंड टू इट्स इलेवन एंड वन कैरेट इट विल बी फोर हिर इन रुपीज और टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों ही बफलोज का रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इन टू टू दिस विल बी रुपीज फोर्टी थाउजेंड नाउ जस्ट लुक एट बोथ द फिगर्स अब आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस तो है ज़्यादा और सेलिंग प्राइस है कम तो यहां तो ओवरऑल हो रहा है लॉस सो वी राइट हियर सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देयर इज लॉस और लॉस कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज फोर्टी वन टू सिक्स नाइन पॉइंट एट फोर This is the total cost price, and the selling price is rupees forty thousand. Here we are taking both the buffaloes together. Now on subtracting, we get it equal to rupees one two six nine point eight four. So this is the loss. And here, we percent not asked in percent. So this is the final answer. I hope it is very much clear. Next we have. क्वेश्चन eight, द प्राइस ऑफ अ TV is इज़ thirteen thousand. The द सेल्स टैक्स on ऑन इट इज एट द रेट ऑफ percent. Find फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही it. इट तो यहाँ पर TV का प्राइस है thirteen thousand और इस पर सेल्स टैक्स अप्लाई हो रहा है twelve percent. तो ऑब्वियसली दोनों ही पे करना होगा जो TV का प्राइस है वो भी और टैक्स भी तो पे करना होगा तो दोनों ही अप हो जाएंगे और तब हमें मिलेगा टोटल अमाउंट फॉर दिस टीवी सो अमाउंट टू बी पेड फॉर टीवी इट विल बी प्राइस ऑफ टीवी प्लस सेल्स टैक्स दोनों ही देने होंगे नाउ प्राइस ऑफ टीवी इट इज रुपीज थर्टीन थाउजेंड और सेल्स टैक्स कितना है इट इज ट्वेल्व परसेंट और ये किसका होगा ट्वेल्व परसेंट इट विल बी ऑफ दिस प्राइस ऑफ द टीवी of 13000, so now we have to give rupees 13000 plus 12 upon 100 into 13000. These two zeros will be cancelled, you will have rupees 13000 plus 12 into 13, it is 156 and one zero is there, so 1560, this is the amount for sales tax. और ऐड कर लीजिए इट विल बी रुपीज हाउ मच 560 सिक्सटी एट दी एंड देन प्लस वन इट्स फोर फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स इतने रुपए देने होंगे टीवी को परचेज करने के लिए इट्स एन ईजी वन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नाइन अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवेन वॉज ट्वेंटी परसेंट यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है पेयर ऑफ स्केट्स पर ट्वेंटी परसेंट इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड फाइंड द मार्क्ड प्राइस तो आप देखिए यहाँ पर स्केट्स के कुछ प्राइस था जिस पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट के बाद वो स्केट्स मिल रहे हैं वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में तो हमें मार्क् प्राइस पूछा है जो कि पहले का प्राइस है ओरिजिनल प्राइस तो कैसे करेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द स्केट्स बी रुपीज एक्स एक्स मान कर चलते हैं तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा देखिए आप इट विल बी ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स मार्क प्राइस पर ही तो हम निकालते हैं डिस्काउंट तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इन टू एक्स कैंसिल दिस दिस विल गो फाइव टाइम्स सो इट विल बी रुपीज एक्स अपॉन फाइव नाउ सेल प्राइस कैसे मिलेगा डिस्काउंट के केस में हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा रुपीज एक्स माइनस एक्स अपॉन फाइव ये हो गया सेल प्राइस और ये तो हमें दिया है इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड ओके नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन एट गेट दंसर फाइव इन टू एक्स इट विल बी फाइव एक्स माइनस एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू वन सिक्स डबल जीरो दिस विल गिव अस फोर एक्स इन द न्यूमरेटर फोर एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू वन सिक्स डबल जीरो X will be equal to 1600 into 5 upon 4. These two numbers yahan transpose. Kar diye. Jo division mein tha, wo multiply mein chala gaya. jo multiply mein tha, wo division mein gaya. this will be cancelled. 4 4s are 16 and 2 0s. This is equal to rupees 2000. So, this is the amount to be paid for the skates. I hope it is clear. We can do this question in one more way. Let us try it in that way also. लेट द मार्क प्राइस ऑफ द स्केट्स बी रुपीज हंड्रेड एक और तरीके से कर रहे हैं तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं देखिए आप इट इज ट्वेंटी परसेंट सो इट विल बी रुपीज ट्वेंटी क्योंकि अभी हम हंड्रेड में से ही ले रहे हैं तो ट्वेंटी हो गया तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा इट विल बी रुपीज एट्टी हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस कर दीजिए एट्टी हो जाएगा सेल प्राइस अब सिंस सेल प्राइस इज रुपीज एट्टी तब ऐसे केस में मार्क्ड प्राइस है रुपीज़ वन हंड्रेड और जब सेल प्राइस रुपीज़ वन होगा तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा रुपीज़ हंड्रेड अपॉन एट्टी और अगर सेल प्राइस हम लेते हैं रुपीज़ वन सिक्स डबल जीरो तब मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा मेनी के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड अपॉन एट्टी इंटू वन सिक्स डबल ज़ीरो एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करते हैं और मेनी की फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो जीरो कैंसल्ड इट विल गो ट्वेंटी टाइम्स एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज टू थाउजेंड तो वही आंसर हमें मिल रहा है तो आप कोई भी मेथड अप्रोच कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे ईजी लगे नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन टेन आई परचेज हेयर ड्रायर फॉर रुपीज फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड इंक्लूडिंग एट परसेंट वैट वैट इज़ अ टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड तो यहाँ पर हेयर ड्रायर ले रहे हैं और उसकी कोई कॉस्ट थी उसके बाद टैक्स एट परसेंट लगा और बाद में उसकी कॉस्ट हो गई फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ओरिजिनल वैल्यू पूछी है कि टैक्स एड होने से पहले हेयर ड्रायर का कॉस्ट कितना था ये पूछा है हमसे तो हम so, मान चलते हैं लेट द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड लेट इट बी रुपीज एक्स ठीक है एक्स मान के चलते हैं देन द वैल्यू ऑफ वैट इट इज एट परसेंट ऑफ दिस औरजिनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस कितनी थी एक्स दिस इज एट अपॉन हंड्रेड इन टू एक्स लेट इट बी एज इट इज एट एक्स अपॉन वन हंड्रेड ठीक है दिस इज इन रुपीज ये हो गया अमाउंट ऑफ टैक्स वैट द टैक्स

सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये हंड्रेड एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हंड्रेड एक्स प्लस एट एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल टू रुपीज फाइव फोर डबल जीरो दिस विल बी वन हंड्रेड एट एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल टू फिफ्टी फोर हंड्रेड एक्स विल बी हियर फिफ्टी फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड एट ठीक है हमने क्या किया यहाँ पर आप देखेंगे 108 मल्टीप्लाई में था डिवीजन में आ गया और 100 डिवीजन में था मल्टीप्लाई में चला गया 108 और 54 दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं काटते हैं 9 से 9 ट्वेल्व जा वन हंड्रेड एट नाइन सिक्स और डबल जीरो आ जाएंगे नाउ ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जिक्सटी और एक जीरो आ जाएगा फिफ्टी नाउ दिस गिव्स अस एक्स इक्वल टू फाइव थाउजेंड तो ओरिजिनल प्राइस इसका हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस क्या है बिफोर वैट वॉज एडेड इट इज रुपीज फाइव थाउजेंड सो वी कैन राइट हियर द ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज फाइव थाउजेंड ओके आई होप इट्स वेरी मच क्लियर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर इलेवन

तो इस क्वेश्चन को हम हंड्रेड रुपीज मानते हुए चलते हैं कि लेट द प्राइस जीएसटी रुपीज्रेड तो अब जीएसटी कितना लग रहा है रुपीज एटीन एटीन परसेंट का मतलब हंड्रेड रुपीज में से एटीन रुपीज टैक्स है तो यही हो गया रुपीज एटीन क्योंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं हंड्रेड रुपीज देन सेल प्राइस इट विल बी रुपीज दोनों को ऐड कर देंगे वन हंड्रेड एटीन हंड्रेड रुपीज तो देने ही होंगे साथ ही साथ ये टैक्स का अमाउंट भी देना होगा तो टोटल तो हो जाएगा सेल प्राइस रुपीज़ वन हंड्रेड एटीन नाउ वॉट वी सी इफ द सेल प्राइस इज रुपीज वन हंड्रेड एटीन देन द ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज वन हंड्रेड अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो हम वन यूनिट की वैल्यू निकालेंगे इफ द सेल प्राइस इज रुपीज़ वन तब ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा रुपीज वन हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड एटीन और

डिवाइड करते हैं 123 ट्वेंटी ऑब्वियसली वन टाइम जाएगा 118 हंड्रेड एटीन थर्टीन माइनस एट इट्स फाइव एंड हियर वी विल हैव ओनली फाइव फिफ्टी ये हो गया छोटा नंबर तो यहाँ लगाएंगे जीरो और एक जीरो कॉपी हो जाएगा 590 आ गया यू विल सी 118 हंड्रेड एटीन इंटू फाइव इट इज फाइव एंड नाउ दिस विल बी जीरो और ये एक जीरो और है जो यहाँ हम लिख लेंगे सो इट इज़ रुपीज वन थाउजेंड फिफ्टी ये हो गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल ठीक है यहां पर यही तो पूछा था कि पहले कितना प्राइस था फिर हमने 18% परसेंट जीएसटी लगाया और उसके बाद ये रेट हो गया उस आर्टिकल का तो पहले बिफोर जीएसटी वॉज एडेड इट्स कॉस्ट इज रुपीज वन थाउजेंड फिफ्टी सो हियर राइट हेंस द ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज वन थाउजेंड फिफ्टी ओके सो दिस वॉज एक्सरसाइज एट पॉइंट टू इन आर कमिंग वीडियोज वी विल बी डीलिंग विथ कंपाउंड इंटरेस्ट तब तक इनमें आप सॉल्व करके एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए गुड बाय